पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दुर्ग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारी नितेश मिश्रा ने बताया कि दुर्ग के सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है और यातायात विभाग सिर्फ चालानी कार्रवाई कर रहा है, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तरीके से विरोध करता है। शहर में बढ़ रहे अपराधों से शहर की जनता त्रस्त है और हमारी पुलिस यहाँ पे चालानी कार्रवाई नहीं कर सकती। एक तरफ आप देखेंगे तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा सी गई, परंतु पुलिस हेलमेट के नाम पे या अन्यत्र कारणों से लगातार वसूली में व्यस्त रहती है। लगातार शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कहीं चोरी चमारी तो कहीं मारपीट की घटनाएं बढ़ती हैं। किसी प्रार्थी के साथ अगर मारपीट होती तो उसके खिलाफ थानों में FIR नहीं लिखी जाती। इन्हीं सारे विषयों पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विगत 2 दिनों से पुलिस की बढ़ती हुई वसूली के खिलाफ शहर के आम नागरिकों से पुलिस के लिए भीख मांगी और उस भीख को एकत्र कर आज पुलिस भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुलिस के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से यह भीख भेंट करने गया था।